दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने भी ऑनलाइन कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा था जो कि खराब हो चुका है और आप लोग चाहते हैं कि उसकी वारंटी क्लेम कैसे करें। सो गाइस वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है शिवम। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम कर सकते हैं जो आपने ऑनलाइन खरीदी हो। सबसे पहली बात, आप लोग एक बात की ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदें तो किसी अच्छे वेबसाइट से ही खरीदिएगा, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उसी वेबसाइट से ही खरीदिएगा। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम करने में। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपने प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी प्रोडक्ट है, देखिए कि उसकी वारंटी एक्सपायर तो नहीं हो गई है। आप लोग सिंपली से अपने ऑर्डर वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की वारंटी अभी एक्सपायर हुई है या नहीं। ओके, अब अगर आपके प्रोडक्ट की वारंटी एक्सपायर नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, आपका जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, उस कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिए, फ़ोन पर बात कीजिए, ईमेल वगैरह मत सेंड कीजिएगा, केवल फ़ोन पर बात कीजिएगा और उसका व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं, वो आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप पर भी आप चैट कीजिए और उसके बाद फ़ोन भी कीजिए। जब वो आपसे पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने प्रॉब्लम को अच्छे से बताइएगा। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो वो लोग ऑनलाइन आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। मान लीजिए कोई सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ छेड़छाड़ हो गया है तो वो लोग आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बट मान लीजिए कि हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो इसके लिए आप प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम कर सकते हैं, वो लोग आपके प्रोडक्ट को रिपेयर करके आपको देंगे। जब भी आप वारंटी क्लेम करने के लिए उनके पास कॉल करेंगे तो वो लोग थोड़ा बहाने बनाएंगे, हाँ दे देंगे, पहले आप अपने आप से थोड़ा देख लीजिए। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना प्रोडक्ट खुद ही बना लें, क्योंकि भाई देखिए जितने भी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हैं सभी लोग उसकी वारंटी क्लेम नहीं करते हैं। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है आपके प्रोडक्ट में तो आप लोग उसे खुद ठीक मत कराइएगा, आप लोग वारंटी लीजिएगा जरूर से। जब आप उन कंपनी वालों से 2-3-4 दिन तक कॉन्टैक्ट करेंगे, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो वो लोग आपकी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। उसके बाद हो सकता है अपनी टेक्निकल टीम आपके घर पर भेजें या फिर आपका प्रोडक्ट वहां पर ले जा भी सकते हैं। लेकिन मेरे केस में, मैंने जब अपनी वारंटी के लिए क्लेम किया था तो कुछ इंजीनियर्स मेरे घर पर आए थे, इस लैपटॉप को रिपेयर किया था यहीं पर आकर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपका जो सामान है वो आपके सामने रिपेयर हो रहा है। अगर आप किसी भी दुकान से सामान लेते हैं तो उसकी वारंटी जब आप क्लेम करने जाते हैं तो आपको अपना सामान वहां पर देना पड़ता है, 1-2 महीने तक इधर उधर सामान फेंका रहता है, बाद में पता चलता है अभी नहीं बना और टाइम लगेगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। अगर कंपनी वाले आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको वारंटी नहीं देते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन, मतलब जहाँ से भी आपने सामान लिया है वहाँ पर आप कंप्लेन कीजिएगा कि देखिए मैंने एक प्रोडक्ट लिया था आपके वेंडर से, आपके सेलर से, और वो मुझे वारंटी नहीं दे रहा है। तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन, जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट लिया होगा, वो लोग कंप्लेन रजिस्टर कर लेंगे और उस सेलर के खिलाफ वो लोग कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए 2 दिन बचे आपकी वारंटी ख़त्म होने में, आपने 2 दिन के पहले ही अपना कंप्लेन रजिस्टर करा दिया तो वारंटी ख़त्म भी हो जाएगी, तब भी उन लोगों को आपको वारंटी देनी पड़ेगी। मेरे लैपटॉप का मदरबोर्ड ख़राब हो चुका था और इसकी कॉस्ट करीब 5,000 रुपये थी और भगवान की दया से इसका जो वारंटी है ना वो एक्सपायर नहीं हुआ था। तो मैंने अपना कंप्लेन रजिस्टर कराया और करीब 1-2 हफ्ते लगे थे या महीने भर। उसके बाद एक टेक्निकल टीम आई थी, उन्होंने मदरबोर्ड लगाया और वो जो कंपनी से लोग आते हैं ना वो एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट आपके लैपटॉप में लगाते हैं, ओके, जो इस लैपटॉप में लगा होता है। तो इस तरह से उन्होंने लगाया, मेरे 5,000 रुपये भी बच गए, तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई। तो इस वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हैं 0 रुपया देकर, ओके, 1 भी रुपये आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपके घर पर जब टेक्निकल टीम आएगी बस उनको चाय पानी थोड़ा पिला दीजिएगा। सो गाइस, इसी तरह के टेक रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।